ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੀ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ बाऊ जी तुसी मम्मी जी नू डांटना नहीं अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने तो भजनों का भला ही सोचा है ना वो मैं इस गल का बिल्कुल अफसोस नहीं है कि उन्होंने मैं अपनी नू कदी नहीं समझिया बल्कि इस गल की खुशी है कि वो अपनी तीनू इन्ना प्यार करते हैं कि वो लिए वो किसी की जान ले भी सकते हैं तो अपनी जान दे भी सकते हैं चाहिए ओ करम सिंह ओ तेरी अकल कहाँ चरन गई है भजनों नू कमरे तो बाहर कढ़न वास्ते तू सोनिया तो सुखी नू घरों कढ़ दिता ओ ते की करदा मैं उस बच्ची दे मुँह च बुरकी नहीं थी गई 24 घंटे तो भुखी बैठी थी ओ तेरी नलायक भरजाई उन्हें दबोच के बह गई थी ना उन्हें बाहर कढ़ दिता सानू अंदर जान दिंदी सी और कुछ नहीं सुझिया मैनू लेकिन मेरे बच्चे अरे वो भी मेरी गल नहीं समझ पाए और तू तरीके नाल समझाई हुंदी तां ते समझ आंदी ना 50 साल तो मैं तेनू जानदा और तेरी ये गल मेरे पल्ले नहीं पई वो बेचारे कित्थों समझ जांदे कमाल हो गई अत्थे ये शौकत है जिहनां नूं किवें अकड़ी जांदा इन्नी अकड़ तां कदे सही नहीं बौजी ने हुण नूं मार दे दो टंबे उहदे गल कोई है ना तूं मैनूं ये गल समझा ओह ते लैक्चर ना दे अगे परेशान आ मैं परेशानी तां तेरी तां घट रही जद तूं मुंह फुटेगा कि तू ये इतिहासिक फैसला की सोच समझ के कीता है कि धी दी भलाई करके नूं ते पुत नूं घरों बाहर कढ दो जरूर जाएगी फिर पता लगा सापा है की टोंकी चल रहा है की है आवाज इन्होंने मैं बाजरे वांगू कुटना जो पता लग गया भी छिकाना बाबा भी मही है ढाई फुकाना बाबा भी मही है आकाशवाणी भी मही परोटे बह के करता है चले गए ਲੈਕਾ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਕੜ ਕੇ ਕਰੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਕੌਣ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਚਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਉ ਜੀ ਆ ਸੁਣ ਜਾਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬਾਉ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਉ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਟੋਪੇ ਲਗਵਾ ਡੱਡੂ ਕੰਮ ਕਰ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਲੇ ਚੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂ ਬਾਹਰ ਡੱਟੋ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬਲੀ ਸੁਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਭਲਵਾਨਾ ਕਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛਪ ਜਾਏਗਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਡ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਬੱਲੀ
पुलिस वाले नूं सारी खबर देती है ना। हाँ जी चाचा, एक एक गल दस दी जी सुखी भाजी बारे। उन्होंने फोन किनू ला रहे हैं? मैं मोबाइल कंपनी च फोन लगा रहा ते पुछण लई कि सुखी भाजी ने फोन कित्थे बंद किया सी, उत्थों पता लगना सानू। देखिया हमेशा पहलवानी नहीं करता, अपनी अकल का भी इस्तेमाल करता है, तू एवं बोली जाता उन्हें। भाभी बुआ सोनिया भाभी क्यों नहीं आई हजे तक, कितना टाइम हो गया? धीए कोई गल नहीं, कई बार स्कूल च क्लासा देर तक चल दिया ने, इस करके लेट हो गई होनी है। तो फिर फोन ला उन्होंने, मैं उन्होंने नाल सूट लैन जाना। ओहो ये कोई वेड़ा है बाजार जाने का, तू कल चल जा। नहीं नहीं बुआ जी, ये तो उन्होंने कल भी नहीं जा सकती ना। क्यों क्यों नहीं जा सकती मैं उन्होंने नाल? हाँ ओ मैं तो तेन दसना ही भूल गई, सोनिया दीदी ना फोन आया सी, वो कह रहे सी कि मैं ना अपनी मम्मी नू मिलन अपने पेके जा। पेके? मैनू बिना दसे मैनू नाल नहीं लेके जा सकती सी? हाँ की है ना पजनो, सोनिया दीदी भी यही कह रही सी कि मैं ना पजनो नू अपने नाल ले जानी हाँ, पर तेरे वीर जी कहन लगे भाई मैं जो तेरे नाल चल रहा पजनो नू ले जाने दी की लोड़ है, ते वैसे भी छोटा मोटा पिंड है साड़ी पजनो एवं परेशान होती फिरेगी। भाभी मैं सोनिया भाभी नाल किथे भी परेशान नहीं हो सकती, तू हुणे वीर जी नू फोन ला, मैं उन्हां दी क्लास लैनी आ, मैनू बड़ा गुस्सा आ रहा है उन्हां ते। हाँ यही तो मैं भी कदों दी फोन ला रही हूँ, पर की करा उन्हां दे पिंड विच तो नैटवर्क ही नहीं हैगा। हैं भाभी ये नैटवर्क की होंदा है? ओ नैटवर्क मतलब उन्हां दे पिंड च फोन नहीं लग सकदा। ते फिर मैं वीर जी ते गुस्सा किवें करा? भजनो की करी तू, चल इत्थे आ मेरे कोल। बेबे मैं वीर जी नूं गुस्सा करना है पर उन्हां दा फोन ही नहीं लग रहा। क्यों गुस्सा करना तू उस ते? वो मेरी पापी नूं लेके पेके चले गए ना मैनूं बिना दसे। तर वो अपनी माँ कोल गई है ना, चल इत्थे आ तू अपनी माँ कोल आ। अच्छा ठीक है बेबे। भाभी जे हुण वीर जी दा फोन आए ना और मेरे नाल गल करना चाहे तो उन्होंने कह दी कि मैं उन्होंने तो नाराज हाँ, जब तक वो मेरी भाभी को लेके वापस नहीं आ जाते ना मैं उन्होंने नाल गल नहीं करनी। की फालतू दी गल्ला करदी रहनी है, चल अंदर। हायो रब्बा की खेड़ा खेड़ रहे हैं साढ़े नाल, हुण तां यह फैसला करना भी मुश्किल हो गया कि कौन सही है कौन गलत। बुआ भाभी भाभी मैं सारे कितने लभ लिया उन्होंने, मैनू कितने नहीं मिले वह। हाय रब्बा हुण की होगा? बुआ तेन भाभी के घर का रस पता ना? हाँ तू मैनू दे मैं पिंड जाके आना। चल आ जा मैं लिखवानी तेन। सुन ये फोन ना तू अपने को रख ल, जिमें ही तेनों दीदी ते जेठ जी का पता लगे ना सानू सारे नू खबर कर दी। ठीक है भाभी। रब्बा बस दीदी अपने घर मिल जाए।